हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी देख रहे हैं कि मेरे हाथ में वीवो Y20G जो कि 2021 का मॉडल है, नया वर्जन है। तो इस मोबाइल का करेंगे अनबॉक्सिंग और आपको इस मोबाइल की कुछ खासियत ऐसा बताएंगे जो आपको हर मोबाइल में नहीं मिलेगा, और कुछ ऐसे भी खासियत है जो आपको हो सकता है कि कमी महसूस हो इस फोन में। तो कुछ ऐसा न्यू फीचर है जो आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा, और कुछ ऐसा भी फीचर है जो आपको आपके लिए ये मोबाइल बेहतर नहीं भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि क्या क्या इसमें आपको फीचर्स मिल जाता है, और अगर आप एक नॉर्मल यूज के लिए लेना चाहते हैं ये फोन तो आपके लिए कितना बेहतर रहेगा, अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं इस मोबाइल से तो आपके लिए कितना बेहतर रहेगा, या आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके लिए मोबाइल कितना बेहतर रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सारी जानकारी आप लोगों को देंगे कि आपके लिए ये मोबाइल कितना बेस्ट रहेगा, आपको ये मोबाइल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, प्राइस के हिसाब से मोबाइल का कैसा क्वालिटी है, इसका कैमरा क्वालिटी कैसा, मतलब कि आज की इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे इस मोबाइल के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, वीडियो को एक लाइक तो कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और करते हैं इस मोबाइल की अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मोबाइल के बॉक्स पे कुछ इस तरीके से डिजाइनिंग किया गया है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा Y20G जो कि 2021 का मॉडल, तो यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा। और इस मोबाइल के अंदर आपको मिल जाता है 4GB का रैम और 64GB का स्टोरेज मिल जाता है। पीछे की ओर आते हैं तो पीछे की ओर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको साइड फिंगरप्रिंट्स मिल जाएगा और 5000mAh बैटरी के साथ मिलेगा, और यहाँ पे आपको 18W का फास्ट चार्जर मिल जाएगा इस मोबाइल के अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जल्दी से मोबाइल को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे मोबाइल को खोल लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि फर्स्ट में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे एक कवर जो कि मिल जाता है मोबाइल के साथ, आपको बिल्कुल फ्री ये कवर मिल जाएगा, जो कि ये कवर देख सकते हैं जो कि देखने में बहुत ही मस्त लग रहा है एक कवर भी, ठीक है। तो ये आपको एक कवर मिल जाता है। इसके बाद आ जाते हैं आपको तो दिखा देते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पिन मिल जाएगा जो कि सिम खोलने में आपको काम आएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक ये मिल जाता है, और इसको हम साइड कर लेते हैं, आ जाते हैं मोबाइल की ओर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मोबाइल को यहाँ पे डाल लेते हैं और आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे आपको 18W का ये फास्ट चार्जर आपको मिल जाएगा, ठीक है। 18W का आपको फास्ट चार्जर ये मिलेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक केबल जो कि आपको ये मिल जाएगा, जो कि ये आपको टाइप सी केबल नहीं है, ठीक है, ये टाइप सी केबल नहीं है। तो चलिए इसको कर लेते हैं साइड। और फ्रेंड्स, ये इसमें जो कि बहुत ही मुझे ख़राब लगा है, क्योंकि इसमें टाइप सी केबल नहीं दिया गया है। आजकल जितने भी मोबाइल आते हैं उसमें टाइप सी केबल रहता है, लेकिन इसमें जो कि टाइप सी केबल नहीं दिया गया है, तो ये मुझे थोड़ा सा बेहतर नहीं लगा, ठीक है। बाकी आपको 18W का फास्ट चार्जर मिल जाता है। फिर आ जाते हैं मोबाइल की ओर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मोबाइल का आप डिज़ाइन देख सकते हैं जो कि किस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन बनाया गया है, जो कि मोबाइल का डिज़ाइन बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है। चलिए हम इस पन्नी को हटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हटा लेते हैं। तो हटाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि मोबाइल की क्या डिज़ाइन है, जो कि आप बढ़िया से देख सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही गजब का लगता है इसका डिज़ाइन, जो कि आपके सामने है ये डिज़ाइन, ठीक है। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है कमेंट करके एक बार तो जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, देख सकते हैं ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, और यहाँ पे टर्च लाइट यहाँ पे आपको नीचे में मिल जाएगा, ठीक है। और मोबाइल का शाइनिंग आप देख सकते हैं जो कि कितना बेहतरीन लग रहा है, डिज़ाइन में आपको कोई भी कमी नहीं किया गया इस मोबाइल के अंदर, ठीक है। और इस साइड की ओर आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फिंगरप्रिंट सेंसर, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा फिंगरप्रिंट सेंसर एंड पावर बटन इसी के साथ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको वॉल्यूम बटन मिल जाएगा, देख सकते हैं वॉल्यूम बटन यहाँ पे है। और फ्रेंड्स, इस साइड में आ जाते हैं तो इस साइड में आपको मिल जाएगा सिम स्लॉट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे की ओर आते हैं तो नीचे में आप देख सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर चार्जर करने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे एक स्पीकर आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको गाना सुनने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लगा करके आप गाना वाना सुन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मोबाइल का आगे का आप डिज़ाइन देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मोबाइल के आगे में जो आपको कैमरा मिलता है, ये कैमरा यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो चलिए मोबाइल को हम ओपन कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि मोबाइल का हम पूरा सेटअप कर चुके हैं और यहाँ पे आपको मोबाइल ओपन हो चुका है जो कि आपके सामने खुल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखा दें इस मोबाइल में क्या क्या आपको फीचर्स मिल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे करते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी सॉफ्टवेयर लाने के लिए आपको इस तरीके से करना होगा इस मोबाइल के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे आपको बैक यहाँ पे इस तरीके से दिया गया। ठीक है, और तो फ्रेंड्स चेक करते हैं इस मोबाइल की अब कैमरा क्वालिटी की, इस मोबाइल में कैमरा क्वालिटी कैसा दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम कैमरा ओपन कर लेते हैं और कैमरा ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे एग्री कर देते हैं। एग्री करने के बाद यहाँ पे आपको कैमरा क्वालिटी दिखा दें, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कैमरा क्वालिटी चेक कर लें कि इस मोबाइल में कैमरा क्वालिटी कैसा दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक पिक खींच लेते हैं आपके सामने, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पिक खींच करके दिखा देते हैं कि कैसा पिक आ रहा है इस मोबाइल के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपके सामने एक पिक खींचा है जो कि आपको दिखा दे कि यहाँ पे पिक कैसा आया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि इस मोबाइल के अंदर जो ये पिक अभी मैंने लिया है। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कि पिक आपको नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हम ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक जो कि यहाँ पे उतना क्लियर नहीं आ पाया। तो चलिए एक बढ़िया सा पिक खींच लेते हैं और आपको दिखाते हैं, यहाँ पे वीडियो में आपको पूरा लाइव दिखाते हैं कि कैमरा क्वालिटी इस मोबाइल की कैसी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी मैंने एक पिक खींचा है, तो ये पिक आप देख सकते हैं जो कि किस तरीके से ये पिक दिख रहा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस मोबाइल में जो मैंने पिक देखा है जो कि मुझे उतना पसंद नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे आप जो चाहेंगे कि थोड़ा बढ़िया होना चाहिए पिक, तो उस हिसाब से इस मोबाइल के अंदर आपको पिक नहीं मिलेगा जो कि मुझे उतना क्लियर पिक नहीं मिला है। आपको दिख रहा होगा थोड़ा ब्लू पर यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्लू पे जा रहा है थोड़ा सा, देख सकते हैं जो कि आसमानी कलर यहाँ पे आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उतना बढ़िया पिक नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा और एक पिक की ट्राई कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम कितना भी कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे पिक आप देख सकते हैं जो कि उतना बेहतरीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है जो कि यहाँ पे कोई दूसरा नॉर्मल फ़ोन में बेहतरीन पिक आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ख़राब लगा, लेकिन यहाँ पे फोटो वोटो फटता नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आसमानी आपको डार्क यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आसमानी जो आप कलर बोल सकते हैं जो कि यहाँ पे आपको कलर हल्का सा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरा दीवार भी वैसा ही कलर है तो यहाँ पे वैसे ही कलर शो कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरे फ़ोन से खींचते हैं तो क्लियर फोटो आता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि कैमरा क्वालिटी उतना बेहतरीन नहीं बनाया गया है इस मोबाइल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आगे का कैमरा तो चेक हो चुका है, लेकिन इसका पीछे का कैमरा एक बार चेक कर ले कि पीछे की कैमरा किस तरीके से दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पीछे की कैमरा आपके सामने एक लाइव पिक ले लेते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स ये पिक जो कि मैंने पीछे के लिए है, जो कि पीछे का पिक यहाँ पे क्लियर आ रहा है, आप देख सकते हैं जो कि पीछे का पिक मैंने इस मोबाइल से लिया है। तो यहाँ पे पीछे का कैमरा तो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे इसमें जो मेन कारण है कि इसमें आगे की कैमरा क्वालिटी उतना टफ नहीं बनाया गया है। यहाँ पे आपको आगे की कैमरा क्वालिटी उतना बेहतरीन जो कि नहीं बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे आगे की कैमरा यहाँ पे उतना बेहतरीन क्लियर नहीं बनाया गया, जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से साइज से आपको नहीं मिलेगा। मैंने बहुत ही सारा कोशिश किया है लेकिन यहाँ पे पिक उतना बेहतरीन बन नहीं पा रहा आगे की कैमरा से। लेकिन फ्रेंड्स वही आपको पीछे की कैमरा बहुत ही गजब का मिलेगा इस मोबाइल में, आपको पीछे की कैमरा की कमी बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे की कैमरा आपको लाइव मैंने दिखाया है, यहाँ पे आपको ब्राइटनेस थोड़ा सा कम करके दिखा दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राइटनेस मैंने कम कर दिया और यहाँ पे देख सकते हैं पीछे की कैमरा में मुझे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आया है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आगे की कैमरा में मुझे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। ठीक है, तो ये आप के हिसाब से कैसा रहेगा ये तो आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको फोटो खींचने के लिए ही बढ़िया एक पिक आपको खींचना है तो साइज से आपके लिए मोबाइल बेहतर नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका पीछे के कैमरा की क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत ही आपको बेहतरीन मिल जाएगा। फ्रेंड्स अब चलते हैं मोबाइल की सेटिंग की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ हम सेटिंग ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं अबाउट फोन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि इस मोबाइल में आपको एंड्रॉयड 10 वर्जन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप चेक कर लेते हैं इसका फेस लॉक और फिंगरप्रिंट लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लॉक कर दिए, इसके बाद यहाँ पे हम इसको ऐसे करते हैं तो यहाँ पे फेस लॉक चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम फेस लॉक लगा चुके, तो देखते हैं ये ओपन होता है या नहीं होता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे फेस लॉक देख सकते हैं, जो कि इसको ऊपर करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं जो कि फेस लॉक तो वर्क प्रॉपरली कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है। आपको ऐसे करके उठाना पड़ेगा, उसके बाद ही काम करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको ऐसे मैंने दबाया, उसको उठाया, देख सकते हैं बराबर काम कर रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा, ठीक है। प्रॉपरली इसमें काम किया जा रहा है जो कि फेस लॉक, ठीक है। तो फेस लॉक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगा। इसके बाद आ जाता है कि आपको फिंगरप्रिंट लॉक कैसा मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिंगरप्रिंट चेक कर लेते हैं, जो कि मैंने इस उंगली का लगाया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे दबाते हैं तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मैंने दबाया, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दबाया, तो यहाँ पे मुझे जो कि फिंगरप्रिंट लॉक और यहाँ पे फेस लॉक यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगा इस मोबाइल के अंदर। मुझे भी बहुत ही बेहतरीन लगा है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक एंड फेस लॉक दोनों में प्रॉपरली काम किया जा रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। लेकिन फ्रेंड्स इस मोबाइल के अंदर जो कि कैमरा क्वालिटी, जो कि फ्रंट कैमरा क्वालिटी थोड़ा सा यहाँ पे लो किया गया है इस मोबाइल के अंदर, ठीक है। आपको फ्रंट कैमरा क्वालिटी उतना बेहतर नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन बाकी चीज़ जो कि आप इस मोबाइल के अंदर आपको बहुत ही बेहतरीन मिल जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स बात रहा कैमरा क्वालिटी की, तो कैमरा क्वालिटी पे मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो वो वीडियो आपको देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं वो वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप देख पाए। मैं इस पे कैमरा क्वालिटी पर फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मोबाइल आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।